नमस्कार, मैं हूँ महक और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भड़थना कस्बा में राधा मोहन की दुकानों में लगी भीषण आग के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ओम वीर सिंह इटावा द्वारा दी गई बाइट। सर, आज ये घटना हुई है, सर क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या पूरा मामला? ये कस्बा भड़थना में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी और किराने का, और दुकान के साथ साथ स्टोर था, उसमें कितने कारणों से आग लगी थी जिसने भयावह रूप धारण कर लिया था। इस सूचना पर तत्काल यहाँ पे एसडीएम साहब, सीओ साहब और कोतवाल साहब आए, जिन्होंने जनहानि होने से बचाया, कई लोगों का रेस्क्यू किया, रस्से से उतारे। इसके बाद जनपद इटावा की और जनपद औरैया की भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई हैं, और अभी अभी सीएफओ ने बताया है कि लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस पर कंट्रोल कर लिया गया है। अभी भी पार्टियां लगी हुई हैं और जो धुआं उठ रहा है उसे भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, विस्फोट के दौरान कोई लोग, फायरकर्मी घायल होने की भी सूचना सर मिली? एक बहुत तेज विस्फोट हुआ था बीच में, जब आग बुझा रहे थे तो उसी में हमारे 2 फायरकर्मी जो हैं उनके झुलसे हैं, जिन्हें तत्काल प्राथमिक चिकित्सा के लिए भेज दिया गया है। सर, रिहायशी इलाकों में इस तरीके की बारूद सर बिक्री का कार्य किया जा रहा है, सर इसके बारे में जानते हैं? ये कब जांच का विषय है कि किस तरह से यहाँ पे किस चीज का भंडारण था, लाइसेंस था या नहीं था। फिलहाल जो प्राथमिकता थी वो लोगों की जान माल की रक्षा और इस आग पर नियंत्रण करने की है। बाकी इस पर विस्तृत जांच की जाएगी कि क्या कारण है आग लगने के। सीएफओ यहाँ पे मौजूद हैं, वो पूरा इस पर शाम तक अध्ययन करेंगे और जो भी कारण हो सकते हैं, संभावित कारण,